राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया विदाई। रात्रि भोज कई आदिवासी नेता भी हुए शामिल। चुनाव आयोग ने उद्धव और शिंदे गुट को भेजा नोटिस, 8 अगस्त तक मांग दोनों पक्ष से जवाब। प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी के समन की तारीख को एक दिन आगे बढ़ाया, अब 26 जुलाई को किया तलब। भारतीय वायुसेना करेगी असम के 19 श्रमिकों की तलाश, 5 जुलाई को भारत चीन बॉर्डर से हुए हैं लापता। भारत ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी गेंद पर हासिल की जीत, सिराज बने मैन ऑफ द मैच। और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। हरदोई में मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं की सूरत पूरी तरह से बदहाल है, जबकि मौजूदा सरकार में हरदोई जनपद से 3 मंत्री हैं, लेकिन यहां रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने की वजह से मरीजों को एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए सीतापुर, शाहजहांपुर और लखनऊ के चक्कर काटने पड़ते हैं, जबकि डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक के गृह जनपद हरदोई में बना मेडिकल कॉलेज दवाओं और डॉक्टरों की कमी से भी अब जूझता हुआ नजर आ रहा है, जबकि मरीजों और पुलिस को आर्थिक खर्च की मार भी झेलनी पड़ रही है। तो खबर आपको हरदोई से बताते चले, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, अस्पताल का हाल बेहाल है, जिसकी परेशानी साफ तौर पर जनता को उठानी पड़ रही है, क्योंकि जो मरीज हैं उनको अपने आसपास के जनपदों में जाना पड़ता है अल्ट्रासाउंड और एक्सरे कराने के लिए। भगवान अस्पताल से यहाँ एक्सरा कराने के लिए रिफर किया गया था। हम यहाँ आए तो यहाँ बता रहे हैं यहाँ तुम्हारा एक्सरा नहीं होगा, सीतापुर या लखनऊ जाइए वहाँ होगा। ये चोटें जो हमारी लगी हुई हैं तब तक जो है ये सब खत्म हो जाएंगी, हमको न्याय कहाँ से मिलेगा? क्या बताया गया ये डॉक्टर लोगों की सब मिली भगत है ना, हमको जो है यहाँ क्यों रिफर करते, जो है वहीं से लखनऊ या सीतापुर रिफर कर दिया गया होता, हम जो मारे मारे इधर उधर घूम रहे हैं। आज हम सरकारी अस्पताल में खड़े हैं, जो कि जिला अस्पताल था ये मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो गया है। यहाँ पे जो भी मेडिकल लीगल के लिए आते हैं ये अदर डिस्ट्रिक्ट में भेजे जाते हैं, जैसे सीतापुर है, शाहजहांपुर है। यहाँ के सीमेंट से जब बात की गई तो उन्होंने बताया डॉक्टरों के ट्रांसफ़र हो गए हैं, डॉक्टर जब दोबारा आएंगे तो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ ठीक होगी। जबकि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो बृजेश पाठक हैं यही गृह जनपद के हैं, फिर भी यहाँ की सेवाएँ बहुत खस्ता हाल हैं। यहाँ के जो भी मरीज आते हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो भी तीमारदार हैं लेके आते हैं, उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो उन्हें लखनऊ, सीतापुर और शाहजहां जैसे जनपद रेफर करते हैं, और साफ तौर पर ये कहते हैं कि वहां मरीजों के लिए एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है, इस वजह से उन्हें आसपास के जनपदों में ट्रांसफर किया जाता है। जबकि हैरानी की बात तो ये है कि ये डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक का गृह जनपद है, जहां से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरदोई से हमारे संवाददाता हर्षराज जुड़ चुके हैं। हर्षराज, जहां एक तरफ ये बृजेश पाठक जी का गृह जनपद है और वहां पर अगर अस्पताल की ऐसी चरमराई हुई तस्वीरें देखने को मिलेंगी तो आखिर जनता क्या करेगी? फिर चलेंगे हरदोई जिला अस्पताल जो था ये मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो गया है, लेकिन यहाँ के हालात इतने बदतर हो गए हैं। यहाँ जो मरीज आते हैं, यहाँ जो मेडिकल लीगल के लिए आते हैं, ये लखनऊ, शाहजहांपुर, सीतापुर जाते हैं। जब मरीजों से मेरी बात हुई तो मरीज कहते हैं कि हम कहाँ जाएं, जब मतलब हरदोई जिले के हैं, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं बृजेश पाठक, यहाँ से 3 मंत्री हैं, जो आबकारी मंत्री हैं नितिन अग्रवाल और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं रजनी तिवारी जी हैं, उसके बाद भी हालात इस बदतर से बदतर हैं। यहाँ के जो तीमारदार आते हैं उनको कोई सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। हर्षराज, अगर देखा जाए तो आप अभी जो मरीजों के बीच भी गए हुए थे, उनसे आपने बातचीत करी, तो उनको आखिर अस्पताल में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है या वो कौन सी परेशानियों से जूझते हैं अपने इलाज के दौरान?
जो मरीज यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं या अपना डॉक्टरी कराने आते हैं उनके लिए डॉक्टर बता देते हैं कि सीतापुर जाइए, लखनऊ जाइए, या कहीं आपने कहीं प्राइवेट करा लिए, लेकिन जब कहीं मार्कशीट और डॉक्टरी जब पुलिस वाले लेके आते हैं सबसे बड़ी दिक्कत का सामना पुलिस वालों को करना पड़ता है, क्योंकि वो लखनऊ जाए कि ड्यूटी करें क्या करें। लेकिन जब यहाँ के इनसे सीएमएस से बात हुई तो सीएमएस का कहना है कि डॉक्टरों के ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन जब डॉक्टर फिर से आएंगे उसके बाद यहाँ के हालात सुधरेंगे। लेकिन मरीजों का बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, सबसे बड़ी दिक्कत है योगी सरकार में यहाँ के तीन तीन मंत्री हैं, उसके बाद भी मरीजों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल हर्षराज, जैसे कि अभी आपने बताया कि वहाँ के सीएमएस ने कहा कि डॉक्टर्स का ट्रांसफर हो गया है, जब डॉक्टर्स दोबारा आ जाएंगे तो जो व्यवस्था है वो ठीक हो जाएगी, तो क्या तब तक मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा? क्या मरीज ऐसे ही दर दर भटकेंगे? जी बिल्कुल, मेरी जो सीमा से कल बात हुई है तो वो कह रहे थे कि जब डॉक्टर यहाँ से ट्रांसफर हो गया है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शासन को संज्ञान लेना चाहिए। जहाँ के उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी यहाँ के हालात इतने बदतर हैं, गृह जनपद के होते हुए भी मरीजों का इतना सामने दिक्कत करनी पड़ रही है। बिल्कुल हर्षराज, अगर देखा जाए तो मरीजों को लगातार काफी दिनों से इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या जो मरीज है या उनके तीमारदार है उनके द्वारा शिकायत की गई है इस मामले को लेकर किसी अधिकारी से या किसी मंत्री से? बताते चले आपको, बराबर यहाँ जो तीमारदार हैं वो शिकायत बराबर कर रहे हैं, मरीज को लेके आते हैं इतनी भीषण गर्मी में, मतलब मरीजों के बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वो शिकायत लगातार हो रही है यहाँ की सीएमएस से, यहाँ की प्रिंसिपल से लगातार शिकायतें हो रही हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सीएमएस लगातार यही कह रहे हैं कि मेरे द्वारा कोई भी इसमें सुधार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर मेरे पास नहीं है, डॉक्टरों की कमी से मैं जूझ रहा हूँ। हर्षराज, अगर देखा जाए तो डॉक्टर साफ तौर पर ये कह देते हैं उनके पास प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है, उनके ट्रांसफर हो गए हैं, उन्हें रेफर कर दिया जाता है, लेकिन अगर इसी बीच किसी जो मरीज की जान चली गई तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन होगा जिम्मेदार? फिर जिम्मेदार सिर्फ मरीज होता है, मरीज आता है दर दर की ठोकरे खाता है, हॉस्पिटल में उसको कोई इलाज ना मिलने के कारण वो अपने घर वापस चला जाता है, क्या करे जब गरीब मतलब कोई भी हो, जब तीन तीन मंत्री होते हुए भी यहाँ के हालात नहीं सुधर रहे हैं तो आम आदमी का क्या हाल होगा। हर्षराज, अगर देखा जाए तो ये बात भी नकारी नहीं जा सकती कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साथ ही साथ जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो लगातार प्रदेश के कई जनपदों में जाकर वहां के अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं अगर हरदोई की बात करी जाए तो क्या उनमें इसका भी डर नहीं है कि कहीं अगर औचक निरीक्षण हो गया तो उनकी अस्पताल की पोल खुल जाएगी? उनके डॉक्टर जो है औचक बराबर निरीक्षण हो रहा है, डीएम सीडीओ औचक निरीक्षण बराबर कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के अंदर कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मरीज आता है दर दर की ठोकरे खा रहा है, ठाके अपना दूसरी जगह इलाज करा रहा है अन्य जनपदों में, लेकिन क्या किया जाए, जब मरीज आता है उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, थक के वो अपने घर वापस चला जाता है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन नहीं लेता है। बिल्कुल हर्षराज, अगर देखा जाए तो ये परेशानी मरीजों को कब से देखने को मिल रही है, कब से जो मरीज है वो इस सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं? लगभग 6 माह से ये मरीज जो है बराबर सामने इसकी दिक्कत से सामना करना पड़ रहा है मरीजों को। जी धन्यवाद हर्षराज इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हरदोई में अस्पताल का हाल पूरी तरह से बेहाल है, जबकि जो डॉक्टर्स है वो अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए जो मरीज है या तो वो अस्पताल के चक्कर काटते हुए नजर आते हैं या तो फिर उन्हें लखनऊ, शाहजहांपुर और सीतापुर जाना पड़ता है ताकि उनका ठीक ढंग से इलाज हो सके। वहीं अगर सीएमएस से जब इस मामले पर जानकारी ली गई तो उन्होंने साफ तौर पर इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि जब यहाँ पर डॉक्टर्स आएंगे तभी मरीजों को सुचारू रूप से व्यवस्थाएं मिल पाएंगी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर और हाईटेक शिक्षा व्यवस्था के लिए लाखों दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। ताजा तस्वीरें अंबेडकर नगर के इल्तिफागंज प्राथमिक विद्यालय से सामने आई, जहां कई वर्षों से बच्चे जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर है, जहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं जब इस संबंध में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से इस मामले को लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। और सुनने की बात तो छोड़िए, वहां तक
कोई झांकने भी नहीं पहुंचा। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, ये वही स्कूल है जहां पर बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर रोजाना सुबह पढ़ने आते हैं ताकि वो अपना भविष्य सुधार सके, ताकि वो अपने देश का भविष्य सुधार सके। लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि इस बिल्डिंग में कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो स्कूलों के बेहाल हाल की तस्वीरें आप साफ तौर पर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीर अम्बेडकर नगर से सामने आ रही है जिसमें कई तादाद में बच्चे वहां पर मौजूद है, आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं जब इस मामले को लेकर स्कूल के टीचर्स ने जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की तो उन्होंने इस मामले पर सुनवाई तो की ही नहीं, साथ ही साथ वो वहां पर आज तक कभी देखने भी नहीं आए कि वाकई में उस स्कूल की स्थिति इस वक्त कैसी है। भैया जो स्कूल है बहुत दिन से जल जल है, गिरने की स्थिति में बच्चों यहाँ पर बैठे, बहुत डर लगता है, कब भी गिर सकता है बरसात का मौसम। देखिए प्राथमिक विद्यालय प्रतापगंज ने जनपद में कुल 224 विद्यालय भवन ऐसे हैं जो कि जर्जर हैं और जिनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की जा रही है। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले उसका होता है कि एक समिति है प्रिंसिपल जिसके द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के पश्चात नीलामी समिति होती है, जो भी उसकी वैल्यू लगती है उसको उस वैल्यू के आधार पर उसका नीलामी की प्रक्रिया कराई जाती है। अभी तक 56 ऐसे कक्षा कक्ष का हमें मिल चुका है और हम लोग उसकी नीलामी की प्रक्रिया करके ध्वस्तीकरण का काम कर रहे हैं। शेष जैसे जैसे हमें मिलता जा रहा है उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। से देख रहे हैं जहां 7 वर्षों से जर्जर प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ने को मजबूर है, स्कूलों का हाल बेहाल हो चुका है, तो आखिर छात्र अपने भविष्य को कैसे संवारेंगे क्योंकि वो रोजाना अपनी जान हथेली पर रखकर इस स्कूल में पढ़ने आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से दीवारों का पेंट पूरी तरह से उखड़ा हुआ है, स्कूल पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुका है। वहीं अब मानसून की भी शुरुआत हो चुकी है, अगर ऐसे में इस विद्यालय में कोई हादसा हो गया तो आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। योगी सरकार तमाम ये दावे और वादे करती है कि स्कूलों की जो व्यवस्था है वो सुधर रही है, स्कूल में शिक्षक जा रहे हैं, स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है, लेकिन धरातल स्तर पे जो तस्वीरें सामने आती हैं वो योगी सरकार के दावे को बिल्कुल तरह से फेल साबित करती है। क्योंकि इस वक्त आप तस्वीर अंबेडकर नगर से देख रहे हैं जहां एक जर्जर स्कूल में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को ये तक नहीं पता कि ये वही स्कूल है जहां पर किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। वहीं जब इस मामले पर स्कूल के शिक्षकों से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई बार इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन कोई भी इस मामले पर सुनवाई नहीं करता, और सुनने की बात तो छोड़िए कभी कोई यहां पर झांकने तक नहीं आया कि वाकई में इस वक्त स्कूल की स्थिति कैसी है। तो आप देख रहे हैं जहां योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही साफ ये कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में अब हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा पढ़ेगा और हर जनपद का बच्चा अपना भविष्य संवारने के साथ साथ देश का भविष्य भी संवारेगा। लेकिन जब ये सभी तस्वीरें निकल के सामने आती हैं तो ये सारी योगी सरकार की जो वादे हैं, जो दावे हैं, जो वो अक्सर रैलियों में करते हुए नजर आते हैं, उसकी पोल खोलते हैं कि आखिर स्कूलों का हाल इस हद तक बेहाल कैसे है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता राहुल पांडे जुड़ चुके हैं। राहुल, अंबेडकर नगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें साफ तौर पर यह देखा गया कि किस तरह से रोजाना बच्चा अपनी जान हथेली पर लेकर स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कहाँ का है ये स्कूल? जी राहुल जी, आपको ये बता दें, प्राथमिक विद्यालय इल्तिफातगंज प्राथमिक विद्यालय है जहाँ की 7 वर्षों से जर्जर हालत की व्यवस्था है और कई बार वहाँ के अध्यापकों और अभिभावकों द्वारा उच्च अधिकारियों को इस मामले को लेकर अवगत कराया गया लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिर ऐसे में बड़ा सवाल ये है, ऐसी जर्जर हालत में जान हथेली पे लेकर बच्चे वहां पर जर्जर विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कोई अनहोनी घटना घटित हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? और कहीं ना कहीं
सरकार के दावे भी खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर शिक्षा, हाईटेक शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इस तस्वीर ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। जी राहुल, अगर देखा जाए तो जब आपने स्कूल के टीचर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले को लेकर शिकायत की जा चुकी है, लेकिन वहां पर आज तक कोई जो विद्यालय है वहां पर झांकने तक नहीं आया कि वाकई में वहां की स्थिति इस वक्त कैसी बनी है। तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही बच्चों की जान के साथ कैसे की जा सकती है? जी बिल्कुल, जब हमारा प्रधानाध्यापक वहाँ के सहायक अध्यापक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है उनसे बातचीत हुई, अभिभावकों से भी बात हुई, कहीं ना कहीं उनको भी डरे समय से रहते हैं, कोई अनहोनी घटना घटित हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। और इसके बाबत में कई बार शिकायत देने के बावजूद भी जब इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम स्वयं जाकर बेसिक शिक्षा अधिकारी से इस मामले में पूरा बातचीत किए, तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भोलेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि ऐसे 224 विद्यालय हैं, 50 से अधिक जर्जर विद्यालय को चिन्हित किया गया है, लीलामी कर ध्वस्तीकरण कराकर नया निर्माण कराने की बात कही है हालांकि उन्होंने, लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि ये 7 सालों से मामला चला रहा है, शिकायत के बावजूद अभी तक शिक्षा विभाग की नींद आखिर क्यों नहीं खुली। राहुल, अगर देखा जाए तो अब मॉनसून का भी वक्त शुरू हो चुका है और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है वो ये तो कह रहे हैं कि ध्वस्त करके नया निर्माण किया जाएगा, तो आखिर वो नया निर्माण कब किया जाएगा? क्या जब कोई अनहोनी घटना घटित हो जाएगी तब वहां भी एक नए विद्यालय का निर्माण होगा? जी बिल्कुल, ये आपका कहना सही है कि जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं इसमें लचक सिस्टम की अनदेखी की मामला सामने आ रहा है, शिक्षा विभाग द्वारा अनदेखी किया जा रहा है। अगर शिक्षा विभाग पहले ही सचेत हो गया होता तो इस तरीके से 7 सालों से मामला ये उजागर न हुआ होता। राहुल, अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर? बच्चों के पेरेंट्स से हमने बात की तो उनको भी कहीं ना कहीं डरे सहमे से रहते हैं, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ते हैं और जर्जर स्कूल की व्यवस्था, जैसे कि टीवी स्क्रीन पर टेलीकास्ट भी हो रहा है, दर्शक देख भी रहे होंगे, आखिर ऐसी भयानक स्थिति में बच्चे जिसके पढ़ रहे हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं कहना है कि इसको विद्यालय को जल्द से जल्द ध्वस्त करा करके नया निर्माण करवाया जाए, उनकी यही मांग है। जी राहुल, इस खबर पर आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और पल पल की अपडेट हमें देते रहिएगा, और इस खबर पर फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हमारे संवाददाता से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि अधिकारियों द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि इस विद्यालय का ध्वस्तीकरण करके यहाँ पे नया निर्माण किया जाएगा, लेकिन आखिर वो समय कब आएगा जब यहाँ पर एक नए विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो क्या तब तक छात्र ऐसे ही जर्जर स्कूल में जाते रहेंगे? क्या तब तक छात्र ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उन छात्रों को? तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक लंबे इंतजार के बाद बीते दिनों सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद छात्रों में खुशी की लहर है। वहीं गाजियाबाद की वसुंधरा स्थित जयपुरिया स्कूल की 12वीं की छात्रा ने गाजियाबाद में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं और रीति वर्मा नाम की इस छात्रा ने 99.6% अंक प्राप्त किए हैं। सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट घोषित हुए हैं तो बच्चों को काफ़ी उत्साह, मतलब काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो वहां पर हमारे सामने इस समय मौजूद है जयपुरिया स्कूल में, जिन्होंने टॉप किया है, हम उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि भाई क्या उन्होंने किससे प्रेरणा ली और किस तरह से वो खुश हैं, क्या बताएंगे? आपने टॉप किया है जिले गाजियाबाद में, और कितने अंक आपको प्राप्त हुए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीति है और मुझे 99.6% आया है, टोटल मार्क्स 498 आए हैं 500 में से। किससे आपको प्रेरणा मिली और किसको आप श्रेय देना चाहती हैं? मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से मेरे साथ मेरी फैमिली रही है, मेरे स्कूल की टीचर्स रही हैं, प्रिंसिपल मैम रही हैं, और मेरे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया है थ्रू आउट दिस टाइम, क्योंकि कोविड था, लॉकडाउन का टाइम था एंड काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता था सिर्फ पढ़ाई करते करते, तो कभी दोस्तों से बात कर ली तो स्ट्रेस रिलीव होता था, काफ़ी हेल्प मिली उससे। आपको रिजल्ट के विषय में कैसे पता चला कि सुबह से रिजल्ट घोषित हुए हैं, काफ़ी बच्चे अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें कि आप जिला गाजियाबाद में टॉपर हैं, तो आपको किससे कैसे पता चला था?
सुबह सुबह मुझे हमारी स्कूल में टीचर का फ़ोन आया था, रचना मैम का कॉल आया था मुझे, एंड उन्होंने मुझे बोला कि रिज़ल्ट आ गया है एंड चेक करके बताओ मुझे, तो वहीं से मेरे को पता चला था कि मेरे 498 मार्क्स आए हैं। देखिए हमारे साथ प्रिंसिपल मैम भी हैं जिनके जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि कैसे बच्चे ने आज टॉप जो किया है, उनसे कैसे क्या बातचीत की है। मैम बच्चे ने आपके स्कूल से टॉप किया है और हाँ। अच्छे अंक प्राप्त किए हैं गाज़ियाबाद ज़िले में, तो किस तरह से बच्चे आज आगे जो बच्चे हैं जो अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं, किस तरह से प्रेरणा देते हैं बच्चों? सर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे स्कूल में कि हम हर बच्चों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और आज तो कहते ना खुशी के हमारे पैर नहीं हो रहे बिकॉज इतना अच्छा रिजल्ट आया है और बहुत प्राउड है हम एज अ स्कूल रीति के कि अभी तो कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि वो होता ना एकदम से वो बिकॉज कोविड का टाइम था, बच्चों के लिए बहुत कठिन था पढ़ाई करना, आधी क्लासेस ऑनलाइन हुई, एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हुए और उसके बावजूद अच्छा रिजल्ट आना, आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों के लिए। बहुत प्राउड हूँ मैं रीति के, रीति वेरी प्राउड ऑफ यू। देखिए कोविड का दौर था और बच्चे किस तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे तो ये साफ तौर पे लोगों ने देखा भी, लेकिन गाज़ियाबाद ज़िले के अंदर में एक लड़की ने जिस तरह से टॉप किया है, काफ़ी खुशी का माहौल है प्रिंसिपल के अंदर भी और पूरे स्कूल में भी, काफ़ी बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं। जयपुरिया गाज़ियाबाद से प्रवीण मिश्रा, प्राइम टीवी गाज़ियाबाद। खबर गाजीपुर से है जहां पुलिस प्रशासन ने शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस प्रशासन ने नकल माफिया राजेंद्र कुशवाहा और उसके परिजनों के करीब 3 करोड़ की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई कर ली है। कुर्क की गई संपत्ति नकल माफिया राजेंद्र की पत्नी और परिजन के नाम पर थी। इस दौरान नकल माफिया की पत्नी और परिजनों के नाम करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति की 4 जमीनों को पुलिस प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। लखीमपुर खीरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मितौली में लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद रेखा अरुण वर्मा पहुंची। सांसद रेखा ने शासन की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि आयुष्मान गोल्डन कार्ड सभी लाभार्थियों को जल्द उपलब्ध करा दिया जाए, साथ ही गरीबों, दलितों और आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं में वरीयता दी जाए। वहीं जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को फल भी बांटा गया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता को सांसद द्वारा जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। गाजीपुर के सैदपुर थाना इलाके में वन विभाग ने गांव के सैकड़ों हरे पेड़ों को बिना परमिशन काटने के आरोप में बड़ा एक्शन लिया है। दबंग ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नवीन सिंह पर वन विभाग ने 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि काटे गए पेड़ के मामले में प्रधानपति से वन विभाग को कई गुना जुर्माना वसूलेगा। वन विभाग ने कटे पेड़ का मूल्य 1 लाख तक लगाया है। इस दौरान डीएफओ प्रदीप कुमार ने बताया कि बिना परमिशन के सैकड़ों हरे भरे पेड़ की कटाई मामले में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नवीन सिंह के द्वारा लिखित तौर पर माफी मांगी गई है और जुर्माना राशि भी भरने की बात कही गई है। 3 दिन के अंदर जुर्माना राशि नहीं भरने पर FIR दर्ज कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधान जी द्वारा जो है, प्रधानपति है वो, के द्वारा जो है करीब 250 पेड़ कटवाए गए और ये जब पेड़ कटवाए जा रहे थे तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। हम जब पता लगा कि प्रधान जी पेड़ कटवा रहे हैं और इतनी संख्या में पेड़ कटवा रहे हैं, करीब 150 आदमी को लेकर के आए थे, राइफल वाइफल लेकर के आए थे भाई, अब तो हमने कहा कि आप क्यों कटवा रहे हैं पेड़, ये ऐसी क्या मजबूरी आपकी आ गई कि इतना पेड़ आप एक साथ कटवा रहे हैं भाई। ये गांव में हम लोग हैं तो हम लोगों का भी वो बनता है, राइट बनता है कि आपसे पूछने का, कहने का। हम लोगों ने बहुत हस्तक्षेप किया, बहुत रोका। उन्होंने कहा कि तुमको जहाँ जाना हो जाओ, जिस अधिकारी के पास जाना हो जाओ और ये पेड़ कटेगा आज। तो हम भाई, हम लोग बहुत भारी संख्या में तो थे नहीं, 2-3 लोग थे। हमने कहा ठीक है भाई, हम अधिकारियों को सूचित करते हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। देखिए जैसे ही हमें ये मामला संज्ञान में आया कि विक्रमपुर गांव जो हमारे सैदपुर रेंज के अंतर्गत आता है, वहाँ सैकड़ों वृक्ष जो है काट दिए गए हैं, तो हमने वहाँ तत्काल अपने स्टाफ को भेजा तो पता चला कि वहाँ एक अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा है जिसमें उस एरिए की नपत की जा रही थी और वहाँ के संबंधित जो भी प्रधान हैं उन्होंने अमृत सरोवर के लिए, निर्माण के लिए उस क्षेत्र की साफ सफाई में वृक्षों को काटा।
खबर गाजियाबाद से निकल के सामने आ रही है, जहां वन विभाग ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए पेड़ों की कटाई के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान वन विभाग ने कटे पेड़ों का मूल्य 1,00,000 रुपए तक लगाया है। इस दौरान DFO प्रदीप कुमार ने बताया कि बिना परमिशन के सैकड़ों हरे भरे पेड़ की कटाई मामले में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नवीन सिंह के द्वारा लिखित तौर पर माफी मांगी गई है और जुर्माना राशि भी भरने की बात कही गई है। साथ ये भी कहा गया है कि अगर 3 दिन के अंदर उन्होंने जुर्माना राशि नहीं भरी तो उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज करा दी जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता पवन मिश्रा जुड़ चुके हैं। पवन, गाजियाबाद में पेड़ों की कटाई के मामले में वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है, तो क्या कुछ है ये पूरा मामला जो इस वक्त निकल के सामने आ रहा है? जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि शासन द्वारा 5 जुलाई को पूरे प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आंदोलन चलाकर किया जा रहा था जी। लेकिन उसी दिन गाजीपुर के सैदपुर तहसील के विक्रमपुर गांव में दबंग ग्राम प्रधान पति के द्वारा सैकड़ों हरे भरे पेड़ काटने का काम किया गया, जिसकी शिकायत गाँव के ही डप्पू सिंह के द्वारा वन विभाग से किया गया, जिसके बाद तत्काल वन विभाग हरकत में आया और दबंग प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान को नोटिस जारी करते हुए कटे हरे भरे पेड़ का मूल्यांकन कर 1,43,000 का दोगुनी यानी तकरीबन 3,00,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया है जी। साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि अगर उन्होंने 3 दिनों के अंदर जुर्माना राशि नहीं भरी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, तो क्या कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी अगर उन्होंने 3 दिन के भीतर जुर्माना नहीं दिया तो? जी, हम आपको बता दें कि इस दौरान DFO प्रदीप कुमार ने बताया कि बिना परमिशन के सैकड़ों हरे भरे पेड़ की कटाई के मामले में प्रधान नवीन सिंह के द्वारा लिखित तौर पर माफी मांगी गई है और जुर्माना राशि भी भरने की बात की गई है। 3 दिन के अंदर जुर्माना राशि नहीं भरने पर FIR दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद पवन मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कानपुर पुलिस प्रशासन हमेशा ये दावा करता है कि कानपुर शहर में कोई भी अपराध नहीं कर सकता है, लेकिन पुलिस के शब्दों की सच्चाई इस मामले से साफ तौर पर जाहिर हो गई और ये पूरा मामला कानपुर शहर के यशोदा नगर के गोपाल नगर का है, जहां दबंग देवेंद्र यादव दिन दहाड़े कट्टा लहराते हुए फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही दबंग है जिनको पुलिस का कोई डर नहीं है, जो खुलेआम अपनी दबंगई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए लोगों को डराने और धमकाने का काम करते हैं। तो ये साफ तौर पर आप तस्वीरें कानपुर की देख सकते हैं, जिसमें सरेआम एक युवक कट्टे के साथ हवाई फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि पुलिस अक्सर ये दावे करते हुए नजर आ रही है कि कानपुर में कोई भी तरह का अपराध नहीं हो सकता, कोई भी तरह की दबंगई का मामला सामने नहीं आ सकता, क्योंकि वहां का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन जब ऐसा ही एक मामला निकल के सामने आता है तो ये साफ तौर पर पुलिस की कार्यशैली और पुलिस के काम करने के ढंग पर एक बड़ा सवाल उठाता है, क्योंकि सरेआम ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जब लोग भी देख रहे हैं, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि कानपुर में दबंगों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हो चुके हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो कहीं ना कहीं वो लोगों को बरगलाने, डराने और उन्हें इन्फ्लुएंस करने का भी काम करती है। और ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है जो लोगों को डराने के लिए बनाया गया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो दबंगों की दबंगई का वीडियो आप साफ तौर पर इस वक्त देख सकते हैं, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पे पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, इन दिनों सोशल मीडिया पर कानपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हवाई फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है, तो पुलिस ने इस मामले पर अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया है? पुलिस तो देखा जाए कहीं ना कहीं पहले से भी सवाल निशान नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सोशल मीडिया पे आज ये पहला वीडियो वायरल नहीं हुआ, इससे पहले भी कई वीडियो वायरल चुके हैं, पर कानपुर पुलिस
जब से कमिश्नरेट लागू होने के बाद देखा जाए कहीं ना कहीं इससे पहले चकेरी थाने का वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया वायरल हुआ था, उस पर भी पुलिस जो है 3 से 4 दिन बाद ही गिरफ्तारी कर पाई थी पिता पुत्र की जिन्होंने हवाई फायरिंग में आया था। उसके बाद हाल ही में विधनु का जो वीडियो वायरल हो रहा है तो टेलीविजन जो हमारे दर्शक देख रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से, उस पर भी देखा जाए कहीं ना कहीं जो ये विधनु थाने का मामला वायरल हुआ है, इसके बाद देखा जाए विधनु इंस्पेक्टर का साफ कहना है कि अभी सूचना नहीं पता है कि कहां क्षेत्र से किस क्षेत्र से और कैसे या कौन किन लोगों ने फायरल किया अभी। लेकिन उपेंद्र अगर देखा जाए तो बीते दिनों कानपुर से हत्याओं की भी खबरें निकल के सामने आई, उसके बाद अब कि ये वीडियो सामने आ रहा है तो आखिर वहां की पुलिस किस तरह से काम कर रही है जो अपराधियों के हौसले इस हद तक बुलंद हो चुके हैं। देखा जाए कहीं ना कहीं कमिश्नरेट जब से लागू हुई है और कानपुर पुलिस जो है पूरी तरीके से मूर दशक बनी हुई है, देखा जाए कहीं ना कहीं इससे पहले अभी देखा हाल ही में जो हत्याएं होती चली आ रही लगातार उसमें भी अभी तक किसी प्रकार से कोई अंकुश नहीं लग पा रहा पुलिस का, और देखा जाए कहीं ना कहीं आदमी यूपी डायल की मदद ले रहा है उसके बाद सुनवाई नहीं हो रही, थाने स्तर पर भी आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है, जब देखो अगर इंस्पेक्टर ने सुना है तो सीओ पास सीओ ने सुना है तो डीएसपी और डीएसपी के बाद देखा कहीं कमिश्नर, देखा कहीं ना कहीं कोई सुनवाई पब्लिक की हो ही नहीं रही है। ये कमिश्नरेट लागू होने के बाद कानपुर के लोगों को जो है कहीं मतलब खासा जो है वो लाभ नहीं मिल रहा है, नुकसान ही नुकसान मिल रहा है। बिल्कुल धन्यवाद उपेंद्र अस्थाना इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गाजीपुर बीएस से हेमंत राव ने रेवतीपुर ब्लॉक के कई विद्यालयों का निरीक्षण किया, वही निरीक्षण के दौरान बीएस से युवराजपुर प्राथमिक विद्यालय प्रथम पहुंचे जहां उन्होंने एमडीएम के तहत बन रहे भोजन की गुणवत्ता को चेक किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों के साथ लाइन में बैठकर भोजन का जायका भी लिया और कहा कि उसकी गुणवत्ता को सुधारने की सख्त जरूरत है। तो आप ये गाजीपुर की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर प्राथमिक विद्यालय युवराजपुर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए बीएसए ने स्कूल का हाल जाना, साथ ही साथ बच्चों के साथ पंक्ति में बैठकर जो उनके लिए खाना बनता है उसका जायजा भी लिया, उसको चखते हुए निर्देश दिया कि उसकी गुणवत्ता में सुधार करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। विकासखंड के निरीक्षण के दौरान मैं कंपोजिट विद्यालय युवराजपुर प्रथम पर पहुंचा था, तो जब मैं विद्यालय निरीक्षण के समय गया तो वहाँ पे मध्याह्न भोजन शुरू हो चुका था, तो मैंने वहाँ पर बच्चों के साथ बैठ कर के भोजन भी चखा और यह देखने का प्रयास किया कि उसकी गुणवत्ता क्या है। साथ ही मैंने अपने सभी उस विद्यालय के शिक्षकों को भी अपने साथ बैठा करके भोजन कराया, जिससे कि वहाँ अध्ययनरत छात्रों और उनके अभिभावकों में भी यह संदेश जाए कि मध्याह्न भोजन के तहत हमारे यहाँ जो भी भोजन बनते हैं उसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है। और मेरा प्रयास इसके साथ ही साथ सदैव रहता है कि जो बच्चों को एमडीएम हम दे रहे हैं वो एक साफ़ सुथरे स्थान पर बने, उसकी गुणवत्ता सही हो। बीएसए ने स्कूल का हाल जाना, साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया कि खाने की गुणवत्ता में सुधार करने की जरूरत है। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि उन्होंने बच्चों के साथ पंक्ति में बैठकर वहां पर खाना भी खाया, उसका जायजा लिया, उसका स्वाद चखा कि आखिर जो बच्चे खाना खा रहे हैं वो खाना पूरी तरह से ठीक है या नहीं है, क्योंकि बीते दिनों प्रदेश के कई जनपदों से ऐसी खबर निकल के सामने आई कि जो बच्चे खाना खाते हैं स्कूल में वो पूरी तरह से अनहेल्दी होता है। यही वजह है कि बीएसए ने स्कूल का हाल जानने के साथ ही साथ बच्चों के साथ बैठकर खाने का स्वाद भी चखा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता पवन मिश्रा जुड़ चुके हैं। पवन, गाजीपुर में बीएसए ने एक विद्यालय का निरीक्षण किया है, इस दौरान कौन से विद्यालय का निरीक्षण किया गया और बीएसए वहां की व्यवस्थाओं से कितने खुश नजर आए? जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले निरीक्षण के दौरान बीएसए युवराजपुर प्राथमिक विद्यालय प्रथम पर पहुंचे जहाँ पर बन रहे एमडीएम के तहत भोजन की गुणवत्ता को चेक किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों के साथ पंगत में बैठकर एमडीएम के भोजन का जायका लिया और कहा कि एमडीएम का भोजन ठीक था लेकिन उसकी गुणवत्ता को और सुधारने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हेमंत राव बीएसए ने पहली बार ऐसा काम किया है, इनके द्वारा शासन की शिक्षा और नीति के द्वारा जो है इसके पहले भी इनकी हमने खबर भेजी थी कि जिसमें ये आदिवासी बच्चों को अपने हाथों से नहला के और उनके शरीर को पोंछ के उनके साथ बैठ के उनके बालों को झाड़ने का भी इन्होंने काम किया है। जी बिल्कुल पवन मिश्रा, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने अलीगढ़ के सर्किट हाउस में जनसुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान महिला आयोग के सदस्य मीना कुमारी और सदस्य राम सखी कठेरिया के साथ महिलाओं की समस्याएं सुनी गई। आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने बताया कि तीन तलाक के मामले अब बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को पति तीन तलाक देकर छोड़ देते हैं। पति से प्रताड़ित महिलाओं की शिकायतों की संख्या ज्यादा है। आगे उन्होंने बताया कि तीन तलाक पर कानून बन चुका है, लेकिन फिर भी तीन तलाक के मामले अभी भी कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो पति से प्रताड़ित शिकायतें मिली हैं और कुछ पड़ोसियों ने तंग किया है वो मिली हैं, कुछ प्रॉपर्टी के मसले हैं जो मिले हैं और बहुत तरह की वैरायटी है। नहीं ज़्यादा तो हम क्या कहें, ज़्यादा तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये तो एक नॉर्मल बात है कि जब पति पत्नी विचार नहीं मिलते हैं आपस में और कुछ कुछ चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती रहती हैं तो बाद में फिर वो ठीक रूप नहीं लेती हैं, वो ख़राब रूप में ही सामने आती हैं और ज़्यादातर इसमें पतियों की गलती है क्योंकि वो या तो उनका अफेयर कहीं दूसरी जगह होता है या वो दहेज मांगते हैं या वो उसको बाहर निकाल देते हैं पत्नी को। अब पत्नी बच्चे बाहर निकाल दिए, उनके पास खाना नहीं पीना नहीं, तो बेचारे वो क्या करेंगे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा इलाके में पति ने अपनी पत्नी को चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। वही घटना के बाद पति खुद भी घर की दूसरी मंजिल से नीचे कूद गया, जिससे उसके शरीर पर भी गंभीर चोटें आई और उसके पैरों में फ्रैक्चर हुआ है और उसे पास के ही एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया जहाँ उसका इलाज चल रहा है। वही घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच पड़ताल में अब पुलिस जुट गई है। के बीच में कल से ज़्यादा थी पहले बेटे का नाम विकास मीना है और बहू का नाम काम्या मीना है। क्या कुछ हुआ था बताइए। हुआ ये कि कल जो है ये ज़्यादा टेंशन में था, पहले थोड़ा टेंशन में रहा करता था काफ़ी लंबे समय से, शक मतलब थोड़ा करता था कभी पत्नी पे कभी किसी के साथ इसका पत्नी का किसी से संबंध है ऐसे, तो वो जो है कल जो है इसने उस लड़के के साथ मतलब गाड़ी में देख लिया। घर में वसुंधरा सेक्टर 15 से एक सूचना प्राप्त हुई कि घर में एक महिला खून से लथपथ पड़ी है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंची तो ज्ञात हुआ कि महिला के पति जो कि विकास मुंडा नाम का व्यक्ति है, उसने उसके पति पत्नी को चाकू मार दिया है और सर पे और गले पे वार किया है। उसके बाद वो स्वयं उस घर की छत से नीचे की ओर गुजरना जिसमें रेलिंग में टकराने से उसके पैर में चोट आई थी। महिला और पति दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया जहां महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और पति का अस्पताल में इलाज जारी है। परिजनों के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक मेडिकल। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।